हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल सेवइयों का ऐसा नवाबी डेजर्ट जो इस ईद पर आपकी दावत को लगाएगा चार चांद। और ये ईद स्पेशल चांद डेजर्ट दिखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही लाजवाब है। और अगर इस ईद पर आपने ये डेजर्ट बना लिया तो मेरी गारंटी कि लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो चलिए अब बिना देर किए अंदर से बहुत ही क्रीमी सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नटी बहुत ही टेस्टी सी इस शाही सेवई डेजर्ट को बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो सुपर क्रिस्पी टेस्टी बहुत ही लाजवाब मुंह में घुल जाने वाले इस शाही सेवई डेजर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे सेवइयाँ। तो आज यहाँ मैं इस तरह की पतली लंबी सेवइयाँ ले रही हूँ जिससे हम दूध की सेवई वगैरह बनाते हैं ना, बस वही। तो यहाँ मैंने लगभग एक पैकेट यानी 180 से 200 ग्राम सेवइयाँ ली है। ये बाजार में आसानी से मिल जाती है और इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अच्छा, अगर आपके पास ऐसी सेवइयाँ ना हो तो एक व्हाइट कलर की आती है ना, जिसे हम लच्छा सेवइयाँ कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो। तो अब हमें यहाँ सेवइयों को क्रश करना होगा, तो उसके लिए हम हाथों से इस तरह से सेवइयों को क्रश कर लेंगे। बहुत ही आसानी से सेवइयाँ क्रश हो जाएगी। दोस्तों, इस शाही डेजर्ट को बनाना बहुत आसान है। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ, बिना क्रीम, बिना अंडा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर के बहुत ही झटपट से ये चांद की लाजवाब डेजर्ट घर पर ही तैयार होगी। और ये देखिए, यहाँ मैंने सेवइयों को अच्छे से क्रश कर लिया, ये बिल्कुल अच्छे से क्रश हो गई है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो सबसे पहले यहाँ हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। जितना हमने शक्कर डाला ना, बस उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम यहाँ पानी डालेंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें एक उबाल आने देंगे। और ये लीजिए, चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ हम फ्लेवर के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच रोज़ एसेंस। यहाँ मैं रोज़ एसेंस डाल रही हूँ, आप या चाहे तो वनीला एसेंस, केवड़ा एसेंस या फिर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। पर रोज़ एसेंस से क्या होगा ना, इसे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू आएगी। और साथ ही यहाँ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ 2 से 3 छोटी बूंद रेड ऑरेंज फूड कलर की। इसे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। आप या चाहे तो थोड़ी सी केसर भी डाल सकते हैं और इसे हम करेंगे बढ़िया से मिक्स। अच्छा दोस्तों, यहाँ हमें इसकी कोई एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। इसे हम लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे इस बढ़िया से शुगर सिर्प हमारी तैयार हो जाए और उसमें हल्का सा चिपचिपापन आ जाए। और ये देखिए, इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ गया और रोज सिरप की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है। और ये देखिए, कलर भी कितना प्यारा आया है ना। तो यहाँ हमारी शुगर सिरप तैयार है। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो अब थोड़ी सी सिरप को हम इस तरह उंगली पर लेकर के देखेंगे। ये देखिए, इसमें कोई तार नहीं बन रही है, पर ये आपस में चिपक रहा है। तो बस हमें इतना ही इसे पकाना है। अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। आप या चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं, बट तेल से क्या होगा ना, हमारी जो नवाबी डेजर्ट है उसमें तेल की स्मेल सी आएगी। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यहाँ घी डालें। और अब हम घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हमारी क्रश्ड करी हुई सेवइयाँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से भूनेंगे, जिससे हमारी सेवइयों पे घी की बढ़िया सी कोटिंग हो जाए, ये अच्छे से पक जाए और इसका सारा कच्चापन निकल जाए। दोस्तों, ये सेवइयाँ काफ़ी हल्की होती है, तो आप इसे लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भुने, वरना ये नीचे से जल जाएगी। दोस्तों, ईद और सेवइयाँ ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और आपने सेवइयों से शाही खुरमा, कुनाफा, दूध सेवइयाँ और भी बहुत सारी मिठाई तो बनाई होगी। पर एक बार इस स्पेशल चांद की सेवई डेजर्ट को जरूर ट्राई करना। मेरी गारंटी कि सबको इतनी पसंद आएगी कि जो भी इसे खाएगा वो आपसे रेसिपी पूछ कर ही जाएगा। और ये लीजिए, हमारी सेवइयाँ घी में अच्छे से रोस्ट हो गई है, इस पे बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो बस इस स्टेज पर हमने जो ये शुगर सिरप तैयार करके रखी थी ना, ये सारी हम इसमें डाल देंगे और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। दोस्तों, ध्यान रहे फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, वरना हमारा मिक्सचर एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। और अभी आपको यहाँ चाशनी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम इसे पकाएंगे ना, वैसे ही सेवइयाँ चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगी और बहुत ही बढ़िया सी रसीली और जूसी हो जाएगी। और ये देखिए, सेवइयाँ धीरे धीरे चाशनी को अच्छे से अब्सॉर्ब करती जा रही है और ये फूलती भी जा रही है। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो गए और ये देखिए, हमारी सेवइयाँ अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो गई और चाशनी को भी अच्छे से अब्सॉर्ब कर लिया है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद। इससे ज़्यादा हम इसे बिल्कुल नहीं पकाएंगे, वरना ये ड्राई हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देंगे, जिससे हमारी सेवइयाँ परफेक्टली सेट हो जाए। तो जब तक हमारी सेवइयाँ सेट होती है, हम बना लेते हैं बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस इसकी रबड़ी। तो उसके लिए गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे मीडियम और यहाँ हम डालेंगे आधा लीटर दूध।
अच्छा यहाँ मैं फुल फैट मिल्क ले रही हूँ, आप यहाँ लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं, बट फुल फैट मिल्क से क्या होगा ना, हमारी रबड़ी काफी गाढ़ी और एकदम मलाईदार बनेगी, इसलिए यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा फुल फैट मिल्क ही ले। और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और इसमें एक बढ़िया सा उबाल आने देंगे। और ये लीजिए दूध में अच्छे से बॉईल आ गया, तो इसे हम एक बार बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें मिठास के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/4 कप शक्कर। अच्छा यहाँ मैं शक्कर डाल रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो चीनी पाउडर या फिर मिश्री भी डाल सकते हो। और साथ ही इसमें एक बढ़िया खुशबू और फ्लेवर के लिए यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अच्छा यहाँ मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ, आप यहाँ चाहे तो कोई भी रोज एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हो। और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह लगातार चलाते हुए पकाएंगे, जिससे चीनी बढ़िया से घुल जाए और इलायची भी अपना फ्लेवर छोड़ दे। लगभग 1 से 2 मिनट हो गए तो यह हमारी शक्कर बढ़िया से घुल गई है और दूध भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो बस इस स्टेज पर यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी केसर। केसर से क्या होगा ना, इसमें बहुत ही बढ़िया कलर और फ्लेवर आएगा, तो इसे भी हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और इसमें जो साइड में ये मलाई लगी है ना, इसे भी हम स्क्रैप करके इसी में मिक्स करते जाएंगे, इससे हमारी रबड़ी काफ़ी गाढ़ी और लाजवाब बनेगी। तो यह हमारा दूध जब तक पक करके गाढ़ा होता है, हम नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1/2 कप दूध, या मैंने रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, और इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, चावल का आटा या फिर मिल्क पाउडर भी डाल सकते हो, बट कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होगा ना, इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ और इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ध्यान रहे दोस्तों, इसे बढ़िया से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे और एकदम लम्स फ्री हमारा यहाँ मिक्सचर तैयार हो। दोस्तों आप खुद देखिएगा कस्टर्ड पाउडर डालने से हमारी रबड़ी में क्या लाजवाब टेस्ट और टेक्सचर आता है। और ये देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और एकदम लम्स फ्री हमारा यहाँ बैटर तैयार है। तो चलिए इसे हम रखते हैं साइड में और दूध चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा हो गया और ये अपनी क्वांटिटी से पहले से कम भी हो गया है। तो बस इस स्टेज पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हमने जो ये कस्टर्ड का मिक्स तैयार किया था ना, ये थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डाल देंगे और इसे हमें लगातार चलाते हुए मिक्स करना है, वरना हमारा कस्टर्ड नीचे जम जाएगा। दोस्तों आपने यह नोटिस किया कि जैसे हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर डाला, हमारा दूध पहले से ठीक हो गया। तो कस्टर्ड पाउडर डालने से क्या होगा ना, इसमें एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा, एकदम रबड़ी जैसी गाढ़ी कंसिस्टेंसी का हमारा मिक्स तैयार होगा और एक बढ़िया फ्लेवर तो आएगा ही। तो इसे हम लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक और पका लेंगे, जिससे हमारा कस्टर्ड पाउडर भी बढ़िया से पक जाए और हमारा मिक्सचर एकदम ठीक हो जाए। दोस्तों इसी तरह मैंने पहले भी आपके साथ रबड़ी सेवई कटोरी, ब्रेड रसमलाई, ब्रेड मलाई रोल, मैंगो डेजर्ट और भी बहुत सारी स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करी है, तो उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा, वो आपको बहुत पसंद आएगी। और उनकी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए हमारा मिक्सचर पहले से काफ़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी में आ गया और क्वांटिटी में भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो बस अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट में मैंने यहाँ लिया है काजू और बादाम, जिसे मैंने इस तरह से रफली क्रश कर लिया है। ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डालने से इसमें बहुत ही नटी और एकदम क्रंची टेस्ट आएगा। और अब हम इसे करेंगे बढ़िया से मिक्स और 1 से 2 मिनट तक और पका लेंगे, जिसे एकदम थिक कंसिस्टेंसी में हमारी रबड़ी तैयार हो जाए, क्योंकि हमें इसकी लेयर जमानी है ना, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा और थिक करना पड़ेगा। लगभग 1 से 2 मिनट हो गए और ये देखिए हमारी रबड़ी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए एकदम थिक का बट फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है और चम्मच पर भी बढ़िया से कोट हो रही है। जब हम उंगली से इस तरह से हटा रहे हैं तो ये देखिए आपस में मिक्स नहीं हो रही, परफेक्ट इस पर कोटिंग हो रही है, बस इतनी गाढ़ी हमें यहाँ रबड़ी चाहिए। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारी रबड़ी हल्की सी ठंडी होती है, हम सेवैयाँ चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी सेवैयाँ परफेक्टली सॉफ्ट और जूसी बनी है। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ, ये देखिए हमारी सेवैयाँ बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, एकदम खिली खिली बहुत ही परफेक्ट बनी है। अगर आपको यहाँ सेवैयाँ हल्की सी ड्राई लग रही है, तो आप थोड़ा सा पानी और स्प्रिंकल कर सकते हो। और अब हमारे डेजर्ट को सेट करने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह का राउंड बेकिंग टिन। अगर आपके पास इस तरह का बेकिंग टिन ना हो तो आप इस तरह का चौकोर केक टिन ले सकते हो, और अगर ये भी ना हो तो आप कोई भी कांच का डिश, बाउल, बॉक्स या फिर थाली भी ले सकते हो। पर आज इसे मैं ईद स्पेशल चांद की शेप में बना रही हूँ, इसलिए यहाँ मैंने राउंड बेकिंग टिन ही लिया है। और अब इस टिन पर नीचे यहाँ हम लगाएंगे बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर, इसे हम अच्छे से सेट कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह से पेपर ना हो तो सिंपली आप मेल्टेड घी लें और इसे चारों तरफ बढ़िया से ग्रीस कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी डेजर्ट को डिमोल्डिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ मैंने टिन को घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब यहाँ मैं अपनी डेजर्ट को चांद यानी कि मून की शेप में बना रही हूँ, तो उसके लिए यहाँ मैं ले रही हूँ इस तरह का गोल ढक्कन। अगर आपके पास इस तरह का ढक्कन ना हो तो आप इस तरह की कोई भी गोल कटोरी ले लें या फिर राउंड शेप में कोई भी मोल्ड ले लें, जिसे आप टिन में अच्छे से सेट कर ले। तो यहाँ मैं ढक्कन को टिन में रख करके एक साइड से परफेक्टली अरेंज कर दूंगी,
और अब हम इसमें फर्स्ट लेयर लगाएंगे हमारी तैयार की हुई सेवइयों की। तो सेवइयों को इस तरह हम अच्छे से स्प्रेड करते हुए चारों तरफ परफेक्टली मून की शेप देंगे। अच्छा, यहाँ हमें सेवइयों की थोड़ी सी थिक लेयर चाहिए, इसलिए इसे हम चारों तरफ फैलाते हुए थोड़ी सी मोटी लेयर देंगे। अब आज हमें मून की शेप दे रही हूँ, आप या चाहे तो इसे डायरेक्ट ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने सेवइयों को अच्छे से फैला दिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक चम्मच और चम्मच के पिछले हिस्से से इसे हम इस तरह से दबाते हुए अच्छे से प्रेस कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, हमारी सेवइयाँ परफेक्टली सेट हो जाएगी और एकदम परफेक्ट लेयर हमारी तैयार होगी। और ये देखिए, यहाँ हमारी सेवइयों की एकदम इवन लेयर तैयार हो गई है। तो बस अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे हमारी तैयार की हुई रबड़ी। और रबड़ी को सेवइयों के ऊपर इस तरह अच्छे से फैला देंगे और चारों तरफ फैलाते हुए इसकी एक थिक लेयर तैयार करेंगे। दोस्तों, इस डेजर्ट में आपको शीर खोरमा, रबड़ी, सेवई, पुडिंग सबका स्वाद आएगा। तो ये थोड़ी सी अलग बनती है, इसे आप जरूर ट्राई करना। और अब चम्मच की सहायता से इसे हम अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर देंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ बढ़िया से स्प्रेड हो जाए और एक इवनली लेयर तैयार हो जाए। और ये देखिए, इस पर एक बढ़िया सी लेयर तैयार हो गई। अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे ताकि जो हमारी रबड़ी की लेयर है ना, परफेक्टली सेट हो जाए। तो रबड़ी यहाँ हल्की सी सेट हो गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे सेवइयाँ। तो सेवइयों को हाथों से इस तरफ चारों तरफ बढ़िया से स्प्रेड कर दीजिए और एक थिक सेवइयों की लेयर तैयार करेंगे। तो सेवइयों को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ लेंगे एक चम्मच और चम्मच के पिछले हिस्से से हम हल्का हल्का इसे प्रेस करेंगे जिससे एकदम इवनली और एकदम स्मूथ लेयर हमारी तैयार हो जाए। और ये देखिए, एकदम परफेक्ट लेयर यहाँ हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए सेट होने रखेंगे। अगर आप यहाँ से चाहे तो ओवरनाइट भी फ्रिज कर सकते हो। तो यहाँ मैंने डेजर्ट को ओवरनाइट फ्रीज कर लिया था, ये अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अब इसे हम जल्दी से डिमोल्ड करते हैं। और ये देखिए, हमने टिन पर घी लगाया था ना, तो ये अच्छे से डिमोल्ड हो गया। और बस अब हम यहाँ लेंगे एक चाकू और चाकू को ढक्कन के चारों तरफ इस तरह से घुमा देंगे। ये स्टेप बहुत ही केयरफुल करना है, वरना ये चांद की शेप बिगड़ सकती है। और अब बिल्कुल हल्के हाथों से ढक्कन को इस तरह उठाते हुए हम रिमूव करेंगे। ये देखिए, क्या परफेक्ट चांद की शेप आई है। और अब हम इसका बटर पेपर भी रिमूव कर देंगे। सुपर्ब, ये देखिए क्या परफेक्ट मून शेप आई है। लग रही है ना हमारी ईद स्पेशल नवाबी डेजर्ट। तो इस डेजर्ट को भी और भी लाजवाब बनाते हैं, तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता की कतरन लिए। और अब हमारे नवाबी डेजर्ट को और भी शाही अंदाज में प्रेजेंट करने के लिए यहाँ मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट। और साथ ही इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। दिखने में कितना लाजवाब लग रहा है ना। और इसे यहाँ मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। और ये लीजिए, हमारा सुपर टेस्टी लाजवाब बहुत ही शानदार ईद का चांद है बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैंने एक स्टार के अंदर भी सेवई और रबड़ी की लेयर अरेंज कर दी थी, तो इसे भी हम डिमोल्ड कर लेते हैं। अब भाई, ईद स्पेशल है तो इतना बनाना तो बनता है। और इसे भी हम गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ। और ये लीजिए, हमारी सुपर डुपर टेस्टी ईद स्पेशल सेवइयों की नवाबी डेजर्ट है बिल्कुल तैयार। और ये देखिए, अंदर से एकदम क्रीमी सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी नटी हमारी सेवइयों की लेयर देखते एकदम मजेदार लग रही है ना। और सच में दोस्तों, जब आप इसे खाओगे तो आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इस ईद पर ये चांद की नवाबी डेजर्ट जरूर से बनाइए और सबके वाई वाई लूटिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी और मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।